हेलो तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आर्क सर्वाइवल इवोल्व एंड्रॉयड मोबाइल, जो भी बोलो सही है। यह है हमारा सेकेंड एपिसोड और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने एक कैंप फायर बनाया था और उस कैंप फायर को मैंने इधर जो है इधर लगा दिया है कैंप फायर को। और यह है हमारा टापू, मैं पहले उस तरफ था रहने के लिए और वहाँ जो मैंने आपको दिखाए थे वॉइस्टर जो पानी में रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे, तो मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा। और फिलहाल मेरी वो फूड की बार जो है बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रही है, तो हमें उसके लिए थोड़ा फूड चाहिए रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैंप फायर है इसको लाइट अप कैसे करते हैं और इसमें खाना हम कैसे पका सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको चाहिए रहेगा थोड़ा सा वुड चाहिए रहेगा, तो हम जो थोड़ा सा वुड ले लेते हैं। तो इसका साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा और वुड हमें नहीं मिल रहा, सिर्फ थैचस ही मिल रहे हैं और अचानक से आ गया है, थैचस ही मिल रहे हैं सिर्फ, वुड नहीं मिल रहा। अब बता नहीं ये क्या है, और आप स्क्रीन पे डबल टैप करके होल्ड करेंगे तो ये अपने आप मारना स्टार्ट कर देगा। और एक सेकेंड रुको, मैं अपना वो ले लेता हूँ हथियार, इससे हमें मिल जाएगी। स्टोन पिक ले लेता हूँ मैं हाथ में, हाँ तो हमें वुड मिल रहा है थोड़ा सा, तो नाइस हमें वुड मिल चुका है और हमारा फूड का बार जो है टोटली पूरी तरह से डाउन हो चुका है। आप देख सकते हो ईट फूड फास्ट, तो हमें खाना खाना पड़ेगा जल्दी से। तो मैं जल्दी से जो है इसको लाइट अप कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जैसे इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखा रहेगा एक बैक का ऑप्शन ऊपर, तो हमें इस बैक का ऑप्शन दबाना है। तो यहाँ पे देखिए कैंप फायर खुल गया, तो हमें पहले वुड जो होते हैं वो होल्ड करना है और इधर आके रख देना है। तो इधर रख दिया, मैं थोड़े से 3 ट्रांसफ़र कर देता हूँ ओके। और हमारे पास जो मीट है हमें वो मिला है रॉ फ्लैश मीट, जो पानी में एक जीव था उसको मारने से मिला है, और फिलहाल मुझे उसका नाम नहीं पता। तो इसे रख देने के बाद मैं यहाँ पे इसको लाइट फायर कर देता हूँ। तो ये फायर भी हो गया और हमारा खाना जो है इसमें पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है। और मेरे पास बेरीज भी अच्छे नहीं है, तो मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़े बेरीज जो है इकट्ठा करता हूँ। तो ये बुशेस जो होते हैं, बुशेस के पास जाने के बाद उनके ऊपर बस टैप करना है और हमको बेरीज मिलेंगे और हमको मिलेगा वो फाइबर मिलेगा, मैंने आपको बताई है। और हमने जो है गाइस लेवल 4 कर लिया है, मतलब हमारा जो टॉम लेवल जो था उसको हमने 4 कर लिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अभी अनलॉक करने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हम अनलॉक करने वाले हैं, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो मैं थोड़े से बेरी ले लेता हूँ बेरीज, और हमें जल्दी से ईट करना पड़ेगा बेरीज को। तो ठीक है, ये हम खा सकते हैं ये बेरीज, और पूरे खा लेते हैं। और ये एमर बेरी भी हम खा सकते हैं, तो सारे खा लेते हैं। और जो मोजो बेरीज भी हम खा सकते हैं, तो मोजो बेरीज भी हम खा लेते हैं, मोजो बेरीज भी हम खा लेते हैं। एजुल बेरी भी हम आई थिंक खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं। नार्को बेरी जो है गाइस, नार्को बेरीज हमें नहीं खाना है, नार्को बेरीज खाने से नशा हो जाता है, मतलब समझ सकते हो आप। तो आई थिंक थोड़ा सा हमारा फूड का जो है बढ़ चुका है, और अभी मैं चलता हूँ अपने कैंप फायर के पास। और ये बता नहीं कैसे बुझ चुका है, तो इसको मैं एक बार देखता हूँ। हाँ तो देखिए गाइस, हमारा जो है मीट जो है पक के तैयार है, कुकड फ्लैश मीट हमें मिल चुका है और सभी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने इन्वेंटरी में। और जो हमने लकड़ियाँ रखी थी उससे हमें मिला है 4 कोल, तो 4 कोल को भी ले लेते हैं, तो सभी ट्रांसफ़र कर लेते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है कैंप फायर को कैसे जलाते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चला तो उसके पास जाइए, तो इधर ऊपर जो है बैक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उस बैक वाले ऑप्शन को जो है दबाना है। दबाने के बाद इस तरफ कैंप फायर आ जाएगा, तो इसमें बस आपको लकड़ियाँ डालनी है, लकड़ी को टैप करके होल्ड करना है और इसमें लेके आना है और इसमें ऐसे डाल देना है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो है लेवल 4 कर लिया है और हमारा लेवल अप होने आ रहा है, तो इस लेवल अप को हम जो है हेल्थ में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो अप्लाई टू लेवल तो हो गया है, ये हमारा हेल्थ में जा चुका है तो कुछ खुल गया था। तो अभी हम मैं देखता हूँ मैं क्या क्या अनलॉक कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं हमने जो है टॉम लेवल जो अब 5 हो चुका है गाइस, बहुत ही हार्ड। आप धीरे धीरे सर्वाइव करते जाएंगे, आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैं जो ये स्टोन हैच जो है इसको गाइस अनलॉक कर लेता हूँ, तो इससे मुझे अनलॉक करना है, तो इसको अनलॉक कर लिया। और मैं इस क्लाउड पैंट को भी अनलॉक कर लेता हूँ, और ये स्पीयर जो है, ये स्पीयर भी चाहिए गाइस हमें, ये स्पीयर भी मदद आती है, इसको भी अनलॉक कर लेता हूँ, और क्लाउड शर्ट को भी अनलॉक कर लेता हूँ। तो नाइस, इतने सारे चीज़ों को जो है हमने अनलॉक कर लिया है, और अब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। एक सेकेंड रुको, क्राफ्टिंग, और पहले हम स्पीयर बनाएंगे। तो स्पीयर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो स्पीयर के लिए चाहिए 8 वुड, 2 फ्लिंट और 12 फ्लाइबर। तो 2 फ्लिंट और 12 फ्लाइबर हमारे पास है, और अभी हमें बस चाहिए वो चाहिए, वुड चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है अपनी जो है हैच बना लेते हैं, जो इनग्रम स्टोन हैच जो ये बना लेते हैं, ये हमारी आसानी से क्राफ्ट हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें हैं। इसके लिए बस आपको 1 फ्लिंट, 1 वुड और 10 हैचेस चाहिए। तो नाइस, हमारा ये जो है हो चुका है, तो मैं इधर रख देता हूँ, तो इन्वेंट्री में आ गया। तो देख सकते हैं ये स्टोन हैच हमारे हाथ में ले लेते हैं, तो इससे थोड़े हम लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। तो मैं देखता हूँ पेड़ किधर है बड़ा वाला, तो बड़े वाले पेड़ को हम तोड़ेंगे। तो डबल टैप करके लेफ्ट वाला होल्ड करेंगे तो ये भागने लग जाएगा। तो ये इधर बड़ा वाला पेड़ है, नहीं ये नहीं टूट रहा, कोई बात नहीं, इस वाले पेड़ को हम ट्राई करते हैं, आई होप सो ये टूट जाएगा, नहीं ये थोड़ा दूर है, तो इसके थोड़ा पास जाता हूँ मैं। तो नाइस, आप देख सकते हो थैच से आप तोड़ोगे तो आपको वुड जो है ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, और पिक से अगर आप तोड़ोगे तो आपको जो है वो होता है थैच जो होता है, थैचस जो होते हैं वो आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, और इस मतलब हैच से अगर आप तोड़ोगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा वुड, तो आप समझ चुके होंगे। तो जितना हो सके उतना वुड मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। और गाइस, अभी तक मैंने एक चीज़ के बारे में बात नहीं किया, इसका जो है नया अपडेट आ चुका है गाइस, और उस नए अपडेट में क्या क्या आया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं वार्म हो रहा हूँ तो हमें कुछ खाना पड़ेगा, तो ये हम खा लेते हैं, सारा खा लेते हैं, नाइस खा लिया। और हमने किधर प्लेस किया था अपना कैंप फायर, आई थिंक हमने इधर ही कहीं अपना कैंप फायर जो है प्लेस किया था। तो ये रहा, इधर है हमारा कैंप फायर। तो अपडेट के बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ, और अभी मैं जो है थोड़ा सा देख लेता हूँ कि हम क्राफ्ट कर सकते हैं कि नहीं स्पीयर को। तो नाइस गाइस, हम स्पीयर को जो है क्राफ्ट कर सकते हैं। आपको स्पीयर को क्राफ्ट करने के लिए 8 वुड चाहिए, 2 फ्लिंट चाहिए और 12 चाहिए फाइबर, जो फाइबर आपको मिलता है, जो बुशेस होते हैं बुशेस से आपको मिलता है बेरी और फाइबर मिलता है। तो नाइस, इसको भी हम अपने इन्वेंटरी में रख लेते हैं। तो नाइस, हमारे पास आ चुकी है अपनी फियर, जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हो एक डोडो है, और आने वाले भागों में मैं आपको बताऊंगा कि इस डोडो को जो है टेम कैसे किया जाता है। और मैं थोड़ा सा अपने इसके जो नया अपडेट आया है थोड़ा उसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। तो इससे हम देखिए, टैप टू द एरो एंड स्पीयर, तो हमें टैप एंड टू द एरो ऐसा कुछ है, तो देखा हम, तो हाँ इसको हम फेंक भी सकते हैं। तो एक सेकेंड रुको, इसको उठाना पड़ेगा, हाँ तो उठा लिया, तो हम इसको फेंक भी सकते हैं। फेंकने के लिए देखिए, आपको एक जूम इन का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप जिधर फेंकना चाहते हो बस उधर इसको लाना है ऐसे, और स्क्रीन पे टच कर देना है। तो जैसे स्क्रीन पे टच करोगे ये अपने आप जो है जाएगा और उसको मार देगा। तो ये अच्छा एक वेपन है मारने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। और गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं जो नया अपडेट आया है, उस अपडेट में क्या क्या आया है। तो आप देख सकते हो गाइस, क्राउच, एक मिनट रुको मैं अपना वो चेंज कर लेता हूँ।
एक सेकेंड, व्यू चेंज, चेंज व्यू कर लिया मैंने, तो आप देख सकते हो अभी ये सो गया। अभी मैं इसको स्टैंड कर देता हूँ, तो ये स्टैंड हो गया और अभी ये क्राउच हो गया और अभी ये सो गया, मतलब सो गया ये अभी। अब इसमें भी मत बोलना कि सांप का बच्चा बन गया। तो अब ये उठ गया और अब ये बैठ गया, अब ये सो गया। तो ये फ्यूचर जो है इसमें नहीं था, इसमें नया आया हुआ है। और AR के इस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व गेम जो है अपने अपडेट जो है ला रहा है, मतलब बहुत ये जो काम जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है। मतलब इसके अपडेट जो है एक मंथ में एक ना एक अपडेट आ ही जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्यूचर इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये एक ही नहीं आया, इसमें जो गाइस और भी बहुत कुछ आया है। वो क्या क्या आया है मैं आपको बताता हूँ। अब जो गाइस हमारे जो मतलब वो रहते थे, मतलब जो डायनासोरस रहते थे, डायनासोरस और अगर अलग अलग जीव जंतु जैसे कि हाथी, जैसे कि रैप्टर्स, और जो हाथी है इसमें मैमोथ होते हैं पुराने ज़माने के बड़े बड़े वाले मैमोथ। और अब जो क्या करेंगे, अगर आपने समझो एक रैप्टर को टेम कर लिया तो रैप्टर के ऊपर से आप मतलब सवारी कर सकते थे पहले, और अब जो क्या करेंगे आप रैप्टर के ऊपर से सवारी भी कर सकेंगे, इधर उधर ट्रैवल भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई आपको दुश्मन दिख जाता है इस वर्ल्ड में तो जो रैप्टर जो है वो भी आपके दुश्मन पर हमला करेगा और आप भी उस पर हमला करोगे। तो ये फ्यूचर नहीं था, मतलब समझो कि माइनक्राफ्ट में हमने एक डॉग को टेम कर लिया तो डॉग भी जॉम्बीज को मारता है, अब ऐसा हो चुका है इसमें। और मैमोथ जो होता है, मैमोथ अपने अपना जो उसका साउंड होता है, मैमोथ का मुंह होता है तो मुंह से पानी निकलता है, पानी छोड़ देता है। ये एक नया मस्त सा फ्यूचर आ चुका है इसमें, जो आप जिसको टेम करेंगे आपके साथ साथ वो भी आपके साथ साथ आपके अपोनेंट को इसमें मारेगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ, मैं अपने लिए कुछ पोशाक बना लेता हूँ, शर्ट वगैरह बना लेता हूँ। तो ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। तो शर्ट बनाने के लिए हमको चाहिए बस 40 फाइबर, तो ये हमारा एक आसानी से बन जाएगा। तो नाइस, हमारा शर्ट जो है बन चुका है। और अभी मैं देखता हूँ पैंट के लिए हमें चाहिए 50 फाइबर। तो अभी हमारे पास कितने फाइबर है एक सेकेंड रुको, मैं देखता हूँ। तो इन्वेंटरी और हमारे पास है फाइबर है 25 फाइबर है। तो अभी हमें बहुत सारे चाहिए, तो रुको एक बार व्यू चेंज कर लेता हूँ मैं। तो नाइस, रुको स्टैंड। तो अभी हम फाइबर इकट्ठा करते हैं। ये जो बुशेस देख रहे हो आप, इनके ऊपर जाना है और इनके ऊपर बस हमें टैप करना है और इनसे हमें मिलेंगे फाइबर। जैसे ही ये ग्लो होने लग जाएगा तो इसके ऊपर टैप करिए और इनसे हमें फाइबर भी मिलेगा और बेरीज भी मिलेंगी। तो अगर आपके पास फूड कम है तो ये बेरीज आप खा सकते हैं। और इसमें अपने जो मछलियाँ वछलियाँ रहते हैं उनको मारने में थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। मैंने मछलियाँ और जो पानी में जो चमक रहे थे उनको मारा था मैंने, और जो मैंने बताया वॉइस्टर जो पानी में चमक रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते गाइस। मतलब वो देखिए, नाम लिया और हाजिर, ये जो देख रहा हो आप सामने, जो मतलब जो आप देख रहे हो सामने वो जो है वो वॉइस्टर है गाइस। और उसके पास कभी मत जाना, वो आपको शॉक देता है। ठीक है, उसके पास कभी मत जाना, वो आपको शॉक देता है। तो थोड़े से और फाइबर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम जो है अपनी शर्ट जो है आसानी से बना सके। तो नाइस, अभी चलो हम उसके पास चलते हैं, हमारा कैंप फायर के पास। तो नाइस, आ चुके हम। और अभी मैं अपना जो है शर्ट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, पैंट हमने शर्ट ये कर लिया था, अभी हमें बस पैंट को जो है क्राफ्ट करना है। तो नाइस, हमारा पैंट भी क्राफ्ट हो चुका है और अब मैं इन्हें जो है अपने इसमें लगाता हूँ। तो क्या बोलते, रुको पहले इधर लेने दो मुझे। तो हमें जो चीज़ पहनना है उसके ऊपर दबाना है और ड्रॉप के बगल में हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा,
उसको हम दबाएंगे तो देखिए इसने पहन लिया और एक और हमारा लेवल अप होने आ रहा है, तो उसको भी हम जो है हम जो वेट में उसका लेवल अप कर लेते हैं। तो नाइस, वेट में हमने उसका लेवल अप कर लिया और अब हमारी पैंट भी पहन लेते हैं। तो पैंट है इधर, इस इधर नहीं, ये क्राफ्ट आ गया हमारा इन्वेंटरी में है पैंट और ई क्यू यू आई पी जो भी है। तो नाइस गाइस, देख सकते हो मैं कितना मतलब वो लग रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हमने अपने कपड़े जो है पहन लिए हैं बना के, और आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और आज हमने जो है, मैं दिखाता हूँ, मैंने एक जो है स्पीयर बनाया जिससे हम जो है आसानी से किसी का भी सर घर से अलग कर सकते हैं। मैं चाहो तो इस डोडो को भी मार सकता हूँ, तो डोडो ने इधर हक दिया तो कोई बात नहीं। तो ये हमने बनाया एक कुलाड़ी जिसको कहते हैं हैच थैच, ऐसा ही कुछ कहते हैं। और आई होप कि गाइस आज के एपिसोड में आपको मज़ा आया हो, तो लाइक मारो और मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज जो है कैसे लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं। आज के भाग में मैंने बताया कि ये शर्ट पैंट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ जो हमारा कैंप फायर है उसको लाइट अप कैसे करते हैं, और आने वाले भागों में हम अपना जो है एक वो बनाएंगे। ये देख सकते हैं नीचे लेवल 5 का, देखें हमने लेवल 6 भी कर लिया, हमारा टॉम लेवल 6 हो चुका है, जहाँ पे हम अपनी जो है स्टिंग शॉट को अनलॉक कर सकते हैं, स्टोरेज बॉक्स को अनलॉक करते हैं, मोर्टल एंड पिस्टल को और नार्को टेक को अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हो डोर फ्रेम रूफ, ये जो है हमारे घर बनाने में काम आते हैं। और आने वाले भागों में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है करने वाले हैं। और आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, तो मुझे बताओ आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है नीचे कमेंट में। तो मैं आपसे फिर एक बार मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हैशटैग आर्क सर्वाइवल। Yeah.